रांची राजधानी में आयोजित होने वाले दो दिवसीय झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मोरहाबादी मैदान में आयोजित इस दो दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ मंगलवार को राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उपस्थित थे। बहुत बड़ा दिन है आज हम लोगों के लिए। यहाँ पर आए हैं यहाँ का उस माहौल को भोग करने के लिए, उस रस में डूबने के लिए पारंपरिक वेशभूषा में पहन के आए। ये बहुत ही अच्छी पहल है, बहुत ही तारीफे काबिल और बहुत ही अच्छा प्रयास है और हर वर्ष होना चाहिए। दो दिनों के इस जनजातीय महोत्सव के दौरान जनजातियों की समृद्ध संस्कृति, उनके रहन सहन और उनका दर्शन देखने को मिला। बुधवार को समापन के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि होंगे। इस महोत्सव के दौरान हीडा रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान तथा हॉकी स्टेडियम में जनजाति इतिहास एवं अन्य विषयों पर सेमिनार एवं पैनल डिस्कशन का भी होगा आयोजन हुआ। इस महोत्सव में देश भर के जनजातीय विषयों के जानकार और कलाकार के अलावा साहित्यकार, कवि तथा इतिहासकार जुटे हैं। सर, ये बेलमेटल भरेवा शिल्पकला मध्य प्रदेश बैतूल डिस्ट्रिक्ट का है। हम भरेवा जाति के लोग ट्रेडिशनल तरीके से ये काम करते आ रहे हैं और अधिकतर हम लोग गोंड जाति के लिए ही काम करते हैं। उनके आदिवासी देवी देवता हो गए, उसके कुल देवी देवता, वहाँ से लेकर उनके नाच गाने के सामान, उनके पहनने के आभूषण, त्योहारों में उपयोग आने वाली चीज़ें, उनके घरों में उपयोग आने वाली चीज़ें, ये सब हम लोग बनाते हैं और शुरू से हम लोग यही काम करते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वयं सोमवार शाम में मोरहाबादी मैदान जाकर मुख्य कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया था। उन्होंने मुख्य मंच की सजावट, विभिन्न स्टॉल, साज सज्जा, आगंतुकों के आने जाने एवं बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था सहित सभी आवश्यक पहलुओं पर बारीकी से निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए थे। कहा कि महोत्सव में झारखंड सहित अन्य राज्यों से पहुंचने वाले अतिथि, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के स्वागत एवं सुरक्षा में किसी तरह की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। दर्शकों के बैठने के लिए पर्याप्त संख्या में कुर्सियां लगाई जाएं। आमजनों की भी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। नगड़ी से आए हैं JSLPS की तरफ से और हम लोग एक समूह बनाए हैं और यहाँ बहुत आके अच्छा लग रहा है। आदिवासी दिवस में हम लोग आए हैं, अपना पहचान बना के अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, पहली बार मनाया जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग कहाँ के से आए हैं? अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।